हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो और आज हम लोग बात करेंगे स्नो एंजल्स। ये एक स्कैंडिनेवियन सीरीज है जो कि आपको हिंदी में देखने को मिलती है। शो का जॉनर है क्राइम ड्रामा, मिस्ट्री, थ्रिलर, और इसमें टोटल 6 एपिसोड्स है जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 55 मिनट से लेकर 57 मिनट्स का है। शो की कहानी स्टार्ट होती है क्रिसमस से कुछ दिन पहले, जहाँ पर हमें नजर आती है जैनी, जिसको नशे की गोलियां खाने की बहुत आदत है और नशे की गोलियों के रिलेटेड वो जेल भी है। जैनी की एक बेटी है जो कि डेफ है, लेकिन इसका एक 5 हफ्ते का बेटा भी है जो कि मिसिंग हो जाता है। फिर तो उसके बाद आपको पूरे शो में यही देखना है कि भाई जैनी के बेटे लुकस को आखिर क्या हुआ। क्योंकि तो मैं इतना ही कह सकता कि ये उन स्कैंडिनेवियन शोज में से एक है जो स्टार्ट से लेकर एंड तक इतना ज़्यादा स्लो है कि अगर आप लोग बीच में एक नींद मार भी लोगे और फिर नींद मार के उठोगे भी, तब भी ये शो की कहानी वहीं पर रहेगी जहाँ पर लास्ट में आपने इस पर्टिकुलर शो को छोड़ा था। कैरेक्टर्स की बात करो तो देखो, यहाँ पर मोस्टली ये शो वुमेन्स पर आधारित है। एलिस जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, अब इसके हस्बैंड एक स्ट्रोक से रिकवर हो रहा है। वही दूसरी तरफ एक और लेडी जिसका नाम है मारिया, जो कि एक मिडिल एज एक्सपीरियंस नर्स है। तो तीसरी तरफ हमारी मेन कैरेक्टर जेनी है, जिसके पास बच्चे तो है लेकिन इसकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही है कि ये अपने बच्चों का भी नहीं ख्याल रख पा रही और ना ये खुद का रख पा रही है। और ऊपर से इसका जो हस्बैंड है सैली, जो कि खुद एक ड्रग्स लेता है, और इसकी भी लाइफ में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। लेकिन आप कह सकते हैं कि ये शो मोस्टली वुमेन्स पे, मदरहुड पर फोकस करता है, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप लोग प्रेडिक्टेबल भी कर लेते हो, लेकिन प्रेडिक्टेबल तब करोगे जब आप लोग इस शो को इंटरेस्ट से देखोगे। वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बिल्ड होता नहीं है और कैरेक्टर्स उतने लाइकेबल भी है नहीं जिसे आप लोग इजीली कनेक्ट हो पाओ। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं कि आप लोग को भी ये शो उतना ही अजीब लगे जितना मुझे लगा। सिनेमेटोग्राफी शो की अच्छी है। डबिंग की बात करो तो डबिंग बहुत थकेले लोग ने किया, मतलब जिसने भी डबिंग किया भाई डबिंग में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो भाई सभी एक्टर्स ने अपने हिस्से के रोल को अच्छी तरह से निभाया। मुझे परफॉर्मेंस वाइज में कोई भी शिकायत नहीं है, बस शिकायत तो उसके स्क्रीन पे से, इसके स्लोपन से, और इसकी एंडिंग तो भाई मैं क्या ही बोलूँ यार, मतलब मेरे लिए वर्ड्स नहीं एंडिंग के लिए। एंडिंग वॉज सो सैड फॉर मी यार। तो यार मैं शो को रेटिंग दूंगा 6 out of 10, और पेरेंटल गाइडेंस पर इतना ही बोलूँगा, इसमें आपको एडल्ट सीन देखने को मिलेंगे, अननेसेसरी के एडल्ट सीन देखने को मिलेंगे, चाहे वो नेक्स्ट सीन हो चाहे वो सीन हो, वो अननेसेसरी, मुझे ज़रूरत नहीं लगी वो सारे सीन्स की। तो इसलिए मैं बोलूँगा ये शो आपको अकेले देखो तो ज़्यादा बेटर है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो आप लोग की मर्ज़ी। टिल देन बाय।